वे कहते हैं जहां भी रहो सत्संग करो। क्यों कहते हैं? सत्संग की बड़ी महिमा हमारे ऋषि मुनियों की, महिमा गाई इसमें कहते हैं सत्संग करो, क्योंकि सत्संग के बिना विजेष नहीं होगा। तो यह है कि जैसे
हाथी के पद चिन्ह में सभी प्राणियों के पद चिन्ह अट जाते हैं, उसी प्रकार एक ईश्वर की भक्ति में सबकी भक्ति हो जाती है। वृक्ष की जड़ में पानी डालने से संपूर्ण वृक्ष हरा भरा हो जाता है, और पत्ते पत्ते पर पानी डाले तो गाछ सूख जाएगा। लेकिन वह परम परमात्मा निर्गुण निराकार है, निराधार है, उनको पकड़ने के लिए कोई आधार चाहिए। इसीलिए हमारे यहां ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने सगुण साकार का आधार दिया है, जिसके आधार पर हम निर्गुण निराकार को भी पार कर सकते हैं। उन्हीं देव देवियों ने आज एक देवी जिसको भगवती कहते हैं के पूजन और विसर्जन का दिन है। भगवती कहते किसको है? भगवती में दो शब्द हैं, भग जोड़वती। भगवती का अर्थ होता है भगवाली, जिस नारी में भग हो वह नारी भगवती कहलाती है, और जिस पुरुष में भग हो वह भगवान कहलाता है। भग कहते किसको हैं? छह प्रकार की विभूतियों को भग कहते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य यस्य श्रिय, ज्ञान वैराग्ययोश्चैव सन्नं भग इति ऋणाम्। समस्त ऐश्वर्य से जो संपन्न हो, सभी प्रकार के धर्मों में जो पूर्ण हो, जो यशवान हो, जो श्रीवान हो, जो ज्ञानवान हो, जो वैराग्यवान हो, ये छह चीजें जिस पुरुष में हैं ये भगवान है, ये छह चीजें जिस नारी में वो भगवती है। भगवान के लिए हम लोग पढ़ते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने जो वचन कहा है गीता के चतुर्थ अध्याय के साथ में आठवें श्लोक में है, यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञान भवति भारत अभ्युत्थान मधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तुलसीदास ने इसी का अनुवाद जैसे किया, जब जब होय धर्म के हानि, अपाढ़ असुर अभय अभिमानी अधम अभिमानी, करै अनित जाय नहीं बरनी, सीधे विप्रधेन सुर धरनी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपाण की सज्जन किया। दुष्टों की जो प्रबलता होती है, पापों की जो प्रबलता हो जाती है, साधु संत महात्मा ऋषि को विप्र सताए जाने लगते हैं, तो अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए, सज्जनों की सुरक्षा करने के लिए, दुष्टों के संहार के लिए
समय समय पर भगवान अवतार लिए। उन अवतारों में जैसे 24 अवतार माने गए, उन 24 अवतारों में भी 10 अवतार मुख्य माने गए। उन 10 अवतारों में भी हम भगवान राम और भगवान कृष्ण को विशेष से जानते हैं। आए भगवान से कुछ करने के लिए है, लेकिन इन दो को विशेष रूप से जानते हैं। जैसे भगवान के बहुत अवतार हुए हैं, उसी तरह भगवती ने भी समय समय पर बहुत रूप धारण किया है। है आद्या शक्ति एक ही, वह कभी काली के रूप में आई है, कभी भगवती के रूप में आई है, चंडिका के रूप में आई है, कभी चामुंडा के रूप में आई है, विविध रूपों में आई है, लेकिन वास्तव में वह एक ही एक है। जितने देव या देवी हैं, भगवान या भगवती हैं, जिनके स्थूल सगुण साकार विग्रह को हम देख रहे हैं, उस प्रत्येक के अंदर में उनका सूक्ष्म रूप है, उनका कारण रूप है, उनका महाकारण रूप है, उनका कैवल्य रूप है, उनका आत्मस्वरूप है। भक्त जब तक अपने भगवान के आत्मस्वरूप का लाभ नहीं कर लेता, तब तक पूर्ण कल्याण नहीं होता। पढ़ने की सीढ़ी जैसे होती है, क्लासों में हम लोग जाते हैं, क्लास दो क्लास तीन क्लास छह क्लास सात क्लास मिडिल पास मैट्रिक आई ए बी एम ए पीएचडी डिलीट, जैसे ये क्रम है, उसी तरह उस प्रभु को पाने के लिए भी क्रम है। जैसे मोटे मोटे अक्षरों को लिखे बिना कोई महीन अक्षर नहीं लिख सकता, उसी तरह मोटी उपासना किए बिना सूक्ष्म उपासना नहीं की जा सकती। आरंभ यहां से, लेकिन अगर आरंभ कोई जीवन भर पकड़ करके रख ले और से अनार आसे आम पड़ते, आम का रूप है, अनार का रूप है, इनार का रूप है, सब रूप है और सब रंगीन चित्र हैं। बच्चे उन चित्रों को देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, बच्चों को रंगीन चित्र देखने को पड़ता है। कोई बच्चा कहे कि अब दूसरी किताब हम नहीं पढ़ेंगे, हमको यही पढ़ने में बढ़िया लगता है, क्या वह कभी विद्वान हो सकता है? बच्चे को अनार आम इनार का ज्ञान देना नहीं है, बच्चे को अनार आम इनार ईख इमली का ज्ञान नहीं है। जिसका ज्ञान है उसके माध्यम से हम अक्षर का ज्ञान दिलाते हैं। पूरी तरह जिस सगुण साकार को हम देखते हैं, उस सगुण साकार के माध्यम से ही निर्गुण निराकार की शिक्षा देते हैं। जैसे कोई बच्चा पहली क्लास की किताब को छोड़ना नहीं चाहे, आगे बढ़ना नहीं चाहे, वह विद्वान नहीं हो सकता, उसी तरह साधना का आरंभ उसने स्थूल सगुण साकार से किया है और कह के बस उसके बाद हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, कुछ करेंगे ही नहीं, बस यही है, तो उसका पूर्ण कल्याण नहीं। तो एक माध्यम भगवती का अवतार हुआ है। कैसे हुआ है? जब राक्षसों द्वारा देवता लोग सताए जाते, देवता लोग युद्ध करते थे, करते करते असुर से हार मार खाते थे, डर के मारे भाग जाते,
देवलोक को छोड़ करके सब पृथ्वी पर विचरने लग गए थे। महिष नाम का एक असुर था जिसके उपद्रव से इंद्र भी डर के मारे राज छोड़ करके भाग गए। जाकर वह इंद्र का आधिपत्य ले लिया अपने हाथ में। सब देवता उसके डर के मारे कांपने लग गए। अब क्या करें? तो सब देवता मिलकर गए ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा कृष्ण और शिव जी के पास सब बोले गए। ब्रह्मा शिव जी के शरीर से तेज निकला, विष्णु के शरीर से तेज निकला, जितने देवता थे सबके शरीर से तेज निकला और फिर तेज का एक दिव्य रूप देवी का हो गया। उसी देवी का नाम भगवती पड़ा। जैसे राम आए रावण को मारने के लिए, कृष्ण आए कंस को मारने के लिए, उसी तरह से भगवती आई महिषासुर का संहार करने के लिए। वह इतना बलवान था कि कभी महिष का रूप धारण कर ले, कभी कोई जानवर का रूप धारण कर ले, कभी आदमी का रूप धारण कर ले, कभी कोई रूप धारण कर ले, कोई इतना वो माया नहीं था। तो भगवती के साथ उसका युद्ध हुआ और भगवती ने उनका संहार किया। इसीलिए भगवती की पूजा या दशहरा, वह राक्षस जो हार गया दशमी हुआ है दशहरा। एक तो यह पौराणिक कथा है, दूसरी कथा यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम जो रावण के साथ युद्ध करते थे, रावण की दसों भुजाओं को, दसों सिरों को, दसों भुजाओं को काट देते थे और फिर सबके सब वैसे के वैसे हो जाते थे। इतनी बार भगवान ने भुजाओं और सिरों का छेदन किया, सब बार फिर नए नए होते गए। भगवान निराश होकर के बैठ गए, बड़े उदास हुए। जिसका सिर कट जाता है फिर वह सिर जुड़ता है, वह तो मरेगा क्यों, तो अमर है। मैंने जो इतना परिश्रम किया सारा परिश्रम व्यर्थ किया। निराश होकर के, उदास होकर के बैठे हुए। विभीषण आए, देखते भगवान आप उदास क्यों है, क्या बात? भगवान ने कहा देखते नहीं हो, जिसका गला कट जाए फिर क्यों जाए, वो मरेगा कि नहीं? विभीषण ने कहा कि भगवान, भगवती देवी की गोद में बैठा हुआ है रावण। जब तक भगवती देवी रावण को अपनी गोद से उतार नहीं देती है तब तक आप उसको मार नहीं सकते हैं। तो भगवान राम ने पूछा भगवती देवी कैसे उतारेंगे अपनी गोद से जो बिठाई हुई? तो विभीषण ने कहा कि भगवती की आप पूजा कीजिए। आप किस तरह पूजा करें? एक हजार कमल पुष्प के द्वारा उनकी पूजा होती है तब वह प्रसन्न होती है, और वे 1000 कमल फूल मान सरोवर से लाया जाए, घर का फूल नहीं। भगवान राम बोले मान सरोवर जाना, वहां से फूल लाना संभव नहीं है। हनुमान जी वहीं बैठे थे। हनुमान जी का भगवान आप छोटी छोटी बात के लिए क्या कहते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। अरे लाना कौन सी भारी मित्र, माथा को ठोक दीजिएगा, मैं तुरंत ला कर दे देता हूं। भगवान ने आशीर्वाद दिया, हनुमान जी गए। उनके जाने में क्या, उनका नाम ही पवन सुख, वायु पुत्र थे, वायु के समान गए, तोड़ करके लेकर के चले आए, दे दिया। भगवान पूजा करने लग गए।
करते करते पूजा पूरी हो गई लेकिन भगवती प्रकट नहीं हुई तो भगवान रावण दुखी हो गया। अब क्या करें, आगे पूजा करने से भगवती प्रसन्न होगी, दर्शन देगी, वरदान देगी, तो कुछ नहीं हुआ। कहीं न कहीं पूजा में त्रुटि है, इसलिए भगवती प्रकट नहीं हुई है। उस फूल की गणना हुई तो 999 फूल हुए। भगवती जी ने ही एक फूल छिपा कर रख लिया था भगवान राम की प्रीति प्रतीति देखने के लिए। अब तो 999 है। भगवान राम ने कहा हनुमान जाओ एक तो फूल और ले आओ। हनुमान जी ने कहा वहां फूल है ही नहीं, वो एक हजार था फूल फूलता है वो तो ले आया, अब फूल है वहां का। तो भगवान और निराश हो गए, अब क्या किया जाएगा। तो भगवान ने सोचा, फिर उनके मन में आया कि लोग मुझे कमल नयन कहा करते हैं, राजीव लोचन कहा करते हैं, एक फूल की कमियत में अपनी आंख निकाल करके ही चढ़ा देता हूं। जैसे वे अपनी आंख निकालना चाहते हैं कि भगवती प्रकट हो जाती है, हाथ पकड़े और कहते तुम क्या चाहते हो। कहा मैं तो रावण का संहार करना चाहता, आपने गोद में बिठा रखा है, अपनी गोद से उसको उतार दीजिए। तो भगवती ने आशीर्वाद दिया, सीता में उतार देती हूँ, अपनी गोद से उतार देती है भगवती रावण को, तो रावण मारा जाता है। यह तो पौराणिक कथा है, इसके साथ में आध्यात्मिकता क्या छिपी हुई है यह भी समझना चाहिए। भगवती की पूजा अश्विन शुक्ला प्रतिपदा से आरंभ होकर नवमी तक पूजा होती है और दसवीं तिथि में विसर्जन किया जाता है। विजया दशमी संत लोग कहते हैं हम अपनी 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, यह है विजयादशमी। श्री सतगुरु महाराज की जय। एक महात्मा हुए, उनका नाम था योगीवर पंचानन भट्टाचार्य। ये महायोगी श्यामचरण लाहिड़ी जी के शिष्य थे। तो पंडित पंचानन भट्टाचार्य ने कहा कि भगवती की पूजा तो 9 दिनों तक करते हो, ठीक है, लेकिन 9 दिनों की पूजा में 3 दिनों की पूजा जो होती है वह विशेष होती है, सप्तमी अष्टमी और नवमी। यह 3 दिनों की पूजा क्या है इसको समझ। वे कहते हैं 3 दिन पौरे त्रिगु निरव पौरे स्रोते ज्वलिते जुबिलो प्रतिमा दशम मीर दशा ए दशम दशा की बोले बुझावो बुझाते पारिना क्रियावान लोके जानी भी निश्चय विजय तेज सकल वासना पार्वती चले गैलन कैलाशे मिशे फेन सती कुटस्थ पुरुषे सुखे कि दुखे ते विषादे हरसे फिर आमी आमार मने ही आसना। ये कहते हैं ये 3 दिन परे क्या है, साधक ऐसी साधना करे कि वह 3 गुण के परे चला जाए। 3 दिन पौरे त्रिगुणे रो पौरे रज सततम, इन 3 गुणों को पार कर जाए
ये तीन गुण क्या हैं? ये जड़ात्मी का अपरा प्रकृति है। तो जो इस जड़ात्मी का प्रकृति को पार कर जाते हैं, अष्टधा प्रकृति को पार कर जाते हैं, वे तो निर्गुण में चले जाते हैं। सगुण साकार को पार कर निर्गुण में चले जाते हैं। जब निर्गुण में चले गए, यह अष्टधा प्रकृति ये है, यह अष्टधा प्रकृति रूप प्रतिमा विसर्जित हो जाती है, उसको पार कर गए। जब साधक साधना का आरंभ करता है और दसेंद्रियों को पार करके सुषुम्ना मार्ग से अपने अंदर में प्रवेश करता है, स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करता है, अंधकार से प्रकाश में प्रवेश करता है, पिंड से ब्रह्मांड में प्रवेश करता है, तो स्वाभाविक ही है पिंड यही रह जाता है, उसकी वृत्ति ब्रह्मांड में चली जाती है, उसको पिंड का कोई भी ज्ञान नहीं रहता है। गुरु महाराज की वाणी में आया है, साधन में पग जाए अति गंभीर हो, यातन सुधि नहीं रहे धीर पर वीर सो, सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, अरे हारे में ही बाहर जड़वत रहे मां के तन से। चेतन जागृत है भीतर में और बाहर की बाहर इंद्रिया व्यवस्थित। जो कोई इन नौ द्वारों को पार करके दसवें द्वार में प्रवेश करता है, तो जो ये पंचानन भट्टाचार्य कहते हैं, जो उनको अनुभूति हुई दसवें द्वार में प्रवेश किए तो क्या हुआ, कहते दोषों मेरो दोषा ये दोषमो दोषा की बोले बुझावो बुझाते पारी ना। जो दसवें द्वार में प्रवेश कर जाता है, उसको क्या सुख मिलता है, क्या आनंद मिलता है, क्या शांति मिलती है, वह कहने की बात नहीं है। आनंदे आनंदो बाड़े प्रति कौन दशेन्द्रियो थाके शून्य के बंधन, रिपु चौय पराग महिषासुर मारा गया। रिपु महिषासुर था ना, साधक का दुश्मन कौन है? रिपु जॉय फोरा जॉय सठ रिपु जो है काम क्रोध लो मो मदमाकर, ये रिपु जॉय फोरा जॉय। जब दुश्मन हार जाता है तो क्या होता है? सकली आनंद मोय आनंद, तब आनंद ही आनंद बाड़े प्रतिक्षण। लेकिन ये है क्या? अनुभव मात्र रॉय, अनुभव की बात है। और जो अनुभूति होती है उसकी अभिव्यक्ति नहीं कोई कर सकता है। गूंगा को गुड़ खिला दीजिए, पूछिए कैसा लगा, क्या बताए? बढ़िया से बढ़िया मिठाई खिला दीजिए उसको, पूछिए कैसा लगा, कुछ भी नहीं बोले। उसी तरह प्रभु का जो रस है उसको पाने वाला उसका वर्णन ही नहीं कर सकता, जानेगा कौन? क्रियावान लोग जानी हुए निश्चय, जो कर्ता शुद्धाचारी है और जिसको संत सदगुरु की क्रिया मालूम है, उसको पवित्र जीवन से बिता कर जो वह कर रहा है, तो कहते क्रियावान लोग जानी हुए निश्चय, वही निश्चित रूप में जानेगा क्या विजय की जय सफल वासना, जो वासना इच्छा है सब पर जय हो जाती है, यही है विजय। पार्वती चले गैरन कैलाशे नीशे चैन स्वति कुटस्थ पुरुषे। पार्वती किसको कहते हैं? पौराणिक कथा के अनुसार हिमालय की पुत्री थी पार्वती,
मतलब पर्वत की जो पुत्री है वह है पार्वती, और पर्वत में भी वह है हिमालय, अब पहाड़ों में सबसे बढ़कर के है हिमालय, हिमालय से बढ़कर कोई पहाड़ ही नहीं है। बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूति में बतलाया है कि पहाड़ों में हिमालय है। पर्वत पर रहने वाली सूरत वही है पार्वती। धर्मदास जी ने क्या कहा, गिरी पर्वत की माछरी भव सागर आया हो, कहे कबीर धर्मदास से जम बंसी लगाया हो। पर्वत पर रहने वाली मछली जो नीचे आ गई तो चारा खाने के लिए चलेगी तो बंसी पेट में जाएगा, पकड़ करके जाकर जीतेगा मारेगा जान मारेगा। वह सूरत जो संसार में आ गई है या विषय को ग्रहण करती है तो जम के जाल में वापस की है। तो कहते नहीं, जो साधक वो साधना किया स्थूल जगत को पार करके सूक्ष्म जगत में चला गया, अब जम क्या करेगा, यम का लकड़ माना भी उसका कुछ नहीं कर सकता है। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा, काया हंस संग हो आया आवा, जाता जोगी की न हुन पावा। जब जो भी चला योग करके संसार को छोड़ करके, उसको पकड़ेगा कौन। मेल ट्रेन चल पड़ी है, उस मेल ट्रेन को पकड़ने के लिए मालगाड़ी जाए तो कितनी दूर पकड़ेगा, पकड़ ही नहीं। गरुड़ उड़े और उसको पकड़ने के लिए कौवा आ जाए, पकड़ लेगा कौवा गरुड़ को। उसी तरह जो भी शरीर छोड़ता है या साधना करके ऊपर बढ़ जाता है उसको यम कुछ नहीं कर सकता। यम तो तब तक है जब तक तम है, आंखें बंद कीजिए, जम है तब तक जब तक तम है, और जो तम को पार कर गया वो जम को पार कर गया। तो कहते हैं जो पार्वती आई थी शिखर से नीचे, गुरु महाराज की वाणी में तू शिखर की वासनी, माया में मग्नो नहीं, यह है दारुण वासनी। यह सूरत तो शिखर पर रहने वाला, वस्ती न सुन्यंग सुन्यंग न वस्ती, अगम अगोचर ऐसा, गगन शिखर में ही बालक बोलने हुआ का नाम धरोगे कहीं, तो वहां से आई हुई है। तो पार्वती चौले गेरेन कहलाते, जहां से पार्वती आई थी राज सूरत, जहां से आई थी परम गुरु परमात्मा के पास से, चले गैलेन कहलाते। वहां जाकर क्या हुआ, निशेषेण सती कुटस्थ पुरुषे, सती जाकर सती पार्वती जाकर के मिल गई भगवान शंकर से। शंकर का अर्थ होता कल्याणकारी, परम गुरु परमात्मा ही कल्याणकारी है। यह जीव जाकर के पीर से मिल गया, एक हो गए। मंडक उपनिषद में आया है, यथा नद्य शमान समुद्रे सत्संग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपादि मुक्त है परात्परम कृष्ण कति दिव्यम। जिस तरह से निरंतर बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में अस्त हो जाती है, फिर उस नदी की संज्ञा नहीं रह जाती है, समुद्र की संज्ञा हो जाती है उसकी। उस जो जीव जाकर के पीव को पा लेता है तो वही तुलसीदास जी ने, सरिता जल जल निधि मह जाई, कोई अचल जन जीव नहीं पाई। और अचल हो गया फिर आने को। ऐसी हमारी साधना हो, सूरत की इतनी ऊर्ध्वगति हो कि तीनों गुणों को पार करके निर्गुण स्वरूप में अवस्थित हो, फिर वहां से आगे बढ़कर प्रमुख परमात्मा से एक में प्राप्त करके आवागमन की प्रक्रिया।
भगवती जी की उपासना नहीं करें यह संत मत नहीं लग जाता है। भगवती जी की उपासना करें, किस तरह करें? यहां हम देखते हैं भगवती अष्टभुजी हैं। इस अष्टभुजी भगवती स्थूल सगुण साकार से हम आरंभ करें और भगवती जी के सूक्ष्म रूप में जाएं, अर्थात अपने अंदर में अष्टदल कमल को प्राप्त करें, उससे साधना करके हम आगे बढ़ें। भगवती जो अष्टधा प्रकृति रूप में, वो अष्टधा प्रकृति को भी हम प्राप्त करें और अष्टधा प्रकृति को पार करके परा प्रकृति में जाएं, अपने स्वरूप की पहचान करें, देवी के भी स्वरूप की पहचान हो जाएगी, परमात्मा से मिलकर एक में हो जाएंगे, आवागमन का चिन्ह छूट जाएगा, भगवती जी की असली पूजा हो जाएगी। इतना कह करके अपने प्रश्न में विराम देता हूँ। आज रविवार है, गुरु कीर्तन करिए।